घर में डंबल है और घर में करने हैं शोल्डर ग्रो। मैं आपको बताता हूँ मेरी 5 वर्कआउट, मैं आपको करके दिखाऊंगा सही फॉर्म किस तरह से करना है आपको, और घर पे ही आप अपने शोल्डर प्रॉट कर सकते हैं। जैसे मेरे शोल्डर से देख रहे हैं आप घर पे ये प्रॉट कर सकते हैं। सिर्फ डंबल चाहिए साथ में, देख रहे हैं, आई हैव डंबल्स, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो स्टार्ट करेंगे, हमें लेना है जॉइंट सेट। जॉइंट सेट का मतलब है कि हमें लेने हैं 3 से ज्यादा वर्कआउट, जहां पे 3 से ज्यादा वर्कआउट इन्वॉल्व होते हैं उसको कहते हैं जॉइंट सेट। पहला लेंगे हम क्या, शोल्डर प्रेस विद डंबल्स। सो डंबल लिफ्ट करेंगे आप, राइट, डंबल हमेशा लोग इस तरह से उठाते हैं, नहीं, लाइक दिस, गो अप 16 रेपिटेशंस ऑफ दिस वन, या डन। नेक्स्ट अप विल बी डूइंग द फ्रंट रेसेस, राइट, विद बोथ द हैंड्स, गो बैक, रिलैक्स करिए, देन यू वॉक। इनहेल पे ध्यान देना है गाइस, सांस लेनी है, सांस छोड़नी है। जब आप अपने मसल को स्क्वीज करेंगे, सांस छोड़नी है मुंह से। देखिए अब करेंगे साइड रेज 16 रेपिटेशन, राइट, पंप गाइस। तो ये कि आपके हेड किया है मीडियल डेल्ट्स पे, मीडियल डेल्ट्स कौन से होते हैं ये वाले। तो हमने अभी अपना फ्रंट डेल्ट की 2 वर्कआउट करी है, एंटीरियर डेल्ट्स की 2 वर्कआउट कर चुके हैं, हमने किया शोल्डर प्रेस और फ्रंट रेस, और अभी जो किया है हमने साइड रेस, वो हमारे बीच का, आई शो यू, बीच का जो है हेड, मीडियल हेड, उस पर फोकस हुआ है। अब बात करते हैं पीछे की हेड की, दैट्स कॉल्ड रियर डेल्ट रेस। रियर डेल्ट में हल्का बेंड जाएंगे लाइक दिस, एंड देन यू लाइक दिस पीछे, लाइक दिस। अब ट्रेपेजियस मसल, दिस वन, बहुत लोग इस मसल को बैक मसल के साथ जोड़ते हैं, लेकिन मैं इसको शोल्डर वर्कआउट में यूज करता हूँ। तो ट्रैप्स का वर्कआउट, बहुत से लोग क्या करते हैं ट्रैप्स में, दे गो लाइक दिस, नो दिस इज नॉट राइट वे, राइट, आपको इसको पीछे स्क्वीज करना है लाइक दिस, 16 रेपिटेशंस ऑफ दिस वन, या वाह, दैट्स इट गाइस, टेक रेस्ट, 1 से 2 मिनट रेस्ट लेंगे आप। आप देख रहे हैं शोल्डर कितने पंप हो गए हैं, देख रहे हैं। तो अब आप लेंगे 2 मिनट का रेस्ट और फिर वापस ये वर्कआउट चालू करेंगे। इसके लगाने आपको 5 सेट, 5 सेट्स, ये एक सेट था जॉइंट सेट था। एक एक मिनट का रेस्ट लेंगे, 1 से 2 मिनट रेस्ट लीजिए हर एक सेट कंप्लीट होने के बाद, और बैक टू बैक लगाएं, क्योंकि वेट कम है तो हमें ज़्यादा टेंशन देनी है। तो इसका वर्कआउट बता दिया मैंने, फ्रंट का बता दिया, मीडियल का बता दिया, रियल का बता दिया, ट्रैप्स का बता दिया, शोल्डर कैसे नहीं हो गएंगे भाई। न्यूट्रिशन में ध्यान देना हमेशा, न्यूट्रिशन इज द की, एंड यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे लीन भी इसको ऐसे ही फॉलो करते रहो। चीयर्स एवरीवन।